क्या आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं या फिर आप अपने शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में लाना चाहते हैं? शॉर्ट फीड हम उसे ही कहते हैं जहां पे शॉर्ट वीडियो लोग जाके देखते हैं, मतलब एक के बाद एक शॉर्ट वीडियो आते हैं, उसे ही कहते हैं शॉर्ट फीड। तो क्या आप अपने शॉर्ट वीडियो को वहां पे भेजना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो आप कैसे भेजेंगे, किस किस वजह से आपके वीडियो वहां पे नहीं पहुंचते हैं या फिर किस किस वजह से आपके वीडियो में ज्यादातर व्यूज ही नहीं आते हैं? अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको 100% पता चलेंगे यूट्यूब एल्गोरिथम क्या कहते हैं, यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से किस किस वजह से आपके वीडियो शॉर्ट फीड पे नहीं पहुंचते हैं और क्या क्या करने से आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। तो हेलो क्रिएटर्स, आप सभी देख रहे हैं रॉनी फॉर यू यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग बात करते हैं यूट्यूब टिप्स ट्रिक्स न्यूज अपडेट लीक्स एंड पॉलिसीज के बारे में, और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रॉनी स्टार्क। इस वीडियो को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन वो समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड फुल वीडियो के अंदर अंतर क्या है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जब पहले से यूट्यूब था तो उसके अंदर कोई शॉर्ट वीडियो की जगह नहीं थी, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने की कोई ऑप्शन ही नहीं थी। यूट्यूब के अंदर पूरा का पूरा फुल वीडियो का सिस्टम था। तो यहाँ पे हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे शॉर्ट वर्सेस फुल कंटेंट, देखो अगर आप चैनल नया बनाए हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कौन सा कंटेंट के ऊपर आप ज्यादा फोकस करने वाले हो। मतलब अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और उसके साथ अगर आप चाहते हैं उसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो डालना तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि देखो, अगर आप चाहे लॉन्ग वीडियो की ब्लॉग करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो उसी तौर पर अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो, बनाकर अपने चैनल पे पब्लिश करते हो, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जितने भी शॉर्ट्स यूट्यूब के ऊपर दिखने को मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में मिलियंस पे व्यूज आते हैं। फिलहाल के तौर पर आ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब इसको एल्गोरिथम के अंदर ले रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके व्यूज कम आ रहा है लोगों को। तो अभी टाइम है शॉर्ट वीडियो बनाओ जिस टाइप का आपका चैनल है। मतलब आप लोग शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बनाते हैं डांसिंग की लेकिन आपके चैनल है गेमिंग की, तो उसके अंदर जो भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, जो भी ऑडियंस होंगे, वो डांसिंग के होंगे ना कि गेमिंग के। तो ये गलती पहले मत करना कि आपके जिस टॉपिक का चैनल है उसी टॉपिक पे लॉन्ग डालो, उसी टॉपिक के शॉर्ट डालो। अब आप मुझसे पूछोगे शॉर्ट वीडियो में ज्यादा पैसे मिलते हैं या फिर लॉन्ग वीडियो पे, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ लॉन्ग वीडियो पे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं शॉर्ट के मुकाबले। लेकिन मानो आपके शॉर्ट पे बहुत ज्यादा 50 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन व्यूज आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग वीडियो छोड़ो शॉर्ट ही बनाओ। तो आप थोड़ा सा सही लेकिन समझ चुके होंगे शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब के ऊपर अंतर क्या है। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हम लोग बताने वाले थे कौन से कंटेंट पे सबसे ज्यादा व्यूज यूट्यूब के ऊपर आते हैं। तो पहली पार्ट आपने समझ लिया, सेकंड पार्ट में ये समझो कि यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे शॉर्ट वीडियो में। अगर आपको भले ही एक लॉन्ग का चैनल है, आप वहां पे शॉर्ट अपलोड करो, क्योंकि यूट्यूब ने हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक अपडेट लाया था जिसके अंदर आपको चैनल का शॉर्ट, आपके लाइव स्ट्रीम, आपके वीडियो सब अलग अलग करके दिखा रहे हैं। मतलब आप लोग अगर चाहते हैं अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट डालो, जो भी आपके टॉपिक है, लाइक अनबॉक्सिंग करते हो, गेमिंग करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, कुकिंग करते हो, फूड ब्लॉग करते हो, कुछ भी करते हो, उस टॉपिक पे, उसी टॉपिक का चैनल के ऊपर उस टॉपिक पे शॉर्ट बनाओ, ताकि शॉर्ट के जो एंगेज है लोगों तक आपके शॉर्ट पहुंचेंगे। लॉन्ग वीडियो भले ही ना पहुंचे लेकिन शॉर्ट वीडियो पहुंचेंगे। शॉर्ट वीडियो से एंगेज बनाओ और लॉन्ग वीडियो से पैसा कमाओ, ये मेरा सीधा साधा आंसर है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट वीडियो एल्गोरिथम के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कब आपके चैनल पे हजारों सब्सक्राइबर्स आएंगे, आपके चैनल भी ग्रो होंगे। देखो, मैं ऐसी हवा पे बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी 6 साल की यूट्यूब जर्नी के हिसाब से आपके साथ जितने भी एक्सपीरियंस मैंने किया है, मेरा भी 2-3 चैनल है, एक चैनल नहीं है, वो भी आपके साथ दिन ब दिन शेयर करूंगा। लेकिन जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ ऑनेस्टली मैं शेयर करता हूं। इससे मेरा बेनिफिट ये होते हैं कि मेरे वीडियोस पे व्यूज आएंगे, जो भी आएंगे वो लोग मेरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं सही चीज बताता हूं। भाई, यहां पे कोई टैग लगाओ, ट्रिक लगाओ या फिर कोई स्पैम करो, ये करके आपका टर्मिनेट होगा चैनल या फिर आपके एडसेंस जो है वो सस्पेंड होगा। ऐसे करके कोई फायदा नहीं है, जो एल्गोरिथम कहते हैं वही मैं बताता हूं। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट के ऊपर एल्गोरिथम किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। देखो, अगर आप शॉर्ट वीडियो यूट्यूब के ऊपर बनाते हो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आपकी शॉर्ट वीडियो जो है वो क्लीन हो। दूसरी चीज, एल्गोरिथम ये कहते हैं आपके शॉर्ट के ऊपर, लाइक ऐसे करके शॉर्ट देख रहे थे लोग लेकिन आपके शॉर्ट के ऊपर कितने देर तक लोग टिके रहते हैं। मानो आपके शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड का, लेकिन जो ऑडियंस आपके ऊपर शॉर्ट के ऊपर आ रहा है वहां पे ऑडियंस देख रहे हैं 5 सेकंड, तो वहां पर आपके वीडियो डेड होने वाले हैं। तो ये बात आपको समझना है, शॉर्ट किसी भी तरीके से आप बनाओ लेकिन शॉर्ट ऐसे बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके सही, लेकिन 3 दिन में एक शॉर्ट बनाओ, लेकिन उसके अंदर कुछ इस तरीके से बनाओ कि जो लोग उसके ऊपर आए 30 सेकंड के अंदर कम से कम वहां पे 20 सेकंड वो लोग रुक जाए। अब उसके बाद यूट्यूब एल्गोरिथम ये देखते हैं आपके शॉर्ट के ऊपर कितना ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, उसी के साथ साथ ये भी देखते हैं आपके शॉर्ट के ऊपर कितना ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज ये देखते हैं आपके शॉर्ट
कितने वॉच टाइम गेन कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके शॉर्ट कितना ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपके चैनल के लिए गेन किए हैं वो भी देखते हैं। तो बेसिक नॉलेज था, मैंने आपको दे दिया शॉर्ट के ऊपर एल्गोरिदम किस तरीके से काम करते हैं। अब आप लोग मुझे अगर पूछोगे क्या शॉर्ट सर्च रिजल्ट दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। अब आप लोग मुझसे पूछोगे क्या शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन और टैग देना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा हाँ बहुत ज्यादा ही जरूरी है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर देखे हैं जो आप लोगों को बताते हैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन टैग कोई मायने नहीं रखता। सीधा साधा बात है भाई, अगर कोई चीज मायने नहीं रखेगा तो यूट्यूब क्यों उसको देगा इसके अंदर। वहाँ पे शॉर्ट के अंदर भी आपको डिस्क्रिप्शन, थंबनेल या तक टैग लगाने की भी जगह है। तो जितने भी चीज यूट्यूब आपको इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, आप इतना दिमाग में घुसा लो कि वो सारे के सारे चीज आपके वीडियोस को वायरल करने में या फिर व्यूज लाने में बहुत ज्यादा पॉइंट निभाते हैं। तो जो लोग ऐसे कहते हैं शॉर्ट पे डिस्क्रिप्शन टैग मायने नहीं रखता, मैं दरखास्त करता हूँ कि भाई ऐसे वीडियो मत बनाओ, गलत चीज लोगों को क्यों बताते हो, डिस्क्रिप्शन जरूर मेंटेन करते हैं शॉर्ट के ऊपर। देखो एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से। देखो किसी ने शॉर्ट वीडियो बनाया, एक बंदा ने एक महीने में डांसिंग कैसे सीखे, अब वो अपने टाइटल में वैसे डाला, डिस्क्रिप्शन में वैसे डाला, टैग में वैसे डाला। आप अगर अपने शॉर्ट पे वही दिखा रहे हो और अपने टाइटल में आपने डाला है कि आई एम डांसिंग और सारी चीज फाका है, लोगों की ट्रिक की बात सुनी, वहां पे एक हैशटैग शॉर्ट लगा दिए, वायरल शॉर्ट वीडियो लगा दिए, बस अपने वीडियो अपलोड कर दी, तो आप मुझे इतना बताओ कि आपके शॉर्ट उसके वीडियो के नीचे दिखाएंगे? कभी भी नहीं दिखाएंगे। तो अगर उसके शॉर्ट के नीचे दिखाना है तो सबसे पहले आपको वैसे ही टॉपिक के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स देना है। और इतना बात समझ लो, पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसका वीडियो कौन कौन देखेगा, जिसके डांसिंग के ऊपर इंटरेस्ट हो, लेकिन आपने अलग अलग टाइटल दे रखे हैं, तो सही ऑडियंस तक अगर आपके वीडियो नहीं पहुंचेंगे तो कमेंट भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे और 5 सेकंड में भागेंगे। सीधा साधा बेसिक आंसर था, इन पूरे वीडियो को अगर आपने दिमाग से देखे हैं, दिल से सुने हैं, तो 100% आपको जवाब मिल गया है शॉर्ट फीड में आपको वीडियो कैसे पहुंचाना है। और लास्ट में मैं आपको अपने ओपिनियन, अपनी राय बताता हूँ। यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है, दिन में 3-4-5-6 वीडियो अपलोड करना है, हफ्ते में एक करो, लेकिन कंटेंट तगड़ा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाओगे, बहुत सारा पैसे इनकम कर पाओगे। आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसे आप महीने में कमा पाओगे। मैं अपनी अर्निंग रिवील करूंगा, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट अगर मिले, प्यार मिले, तो बहुत ही जल्द मैं अपने अर्निंग आप लोगों को दिखाऊंगा, बस आप लोगों को मोटिव करने के लिए। लास्ट पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे कब आपके चैनल पे हजारों सब्सक्राइबर्स आएंगे। देखो हर एक चैनल पे, जितने भी YouTube पे चैनल है, जो लोग सही तरीके से मेहनत करते हैं, जिनके चैनल के ऊपर स्ट्राइक नहीं आते या फिर कॉपीराइट नहीं आते, उन चैनल पर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसीज को फॉलो करते हैं YouTube की, YouTube बहुत ही जल्द, लगभग इसमें 6 महीना टाइम लेते हैं, 6 महीना अगर कंटिन्यू काम करते हैं, कोई भी क्रिएटर किसी भी तरीके की वीडियो बनाए चाहे, उनको एक मौका देता है, एक मौका 6 महीने के अंदर देता है। लिख के लेना भाई, आपके एक वीडियो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे, यूट्यूब इतना ज़्यादा बूस्ट करेंगे, अब बस देखते रहो, जो रात को वीडियो पब्लिश करोगे, सुबह उठ के देखोगे भाई इतना ज़्यादा व्यूज़, 1,000, 2,000, 3,000 या तो महीने में लाखों पे पहुंच जाएंगे वो व्यूज़। आप लिख के लो, वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, करेगा ही करेगा, ये यूट्यूब का एक रूल है, वो हर एक क्रिएटर को एक बार मौका देता है। अब उसी टाइम पे आपको पकड़ना है एंड उसी टाइम पे आपको हजारों सब्सक्राइबर्स आएंगे, और जो टॉपिक आपका वायरल होगा, चाहे वो शॉर्ट पे हो या फिर लॉन्ग पे हो, ये सीक्रेट टिप्स है, चाहे वो शॉर्ट पे हो या फिर लॉन्ग पे हो, उसी टॉपिक को पकड़ के उस टाइप के आपको वीडियो लगातार अपलोड करना है। मतलब बस उसी अपलोड कर दिया ऐसा नहीं, उस टॉपिक को घुमा फिरा कर अपलोड करना है। तो यही थे बेसिकली फंडा, अगर आप समझ गए डेफिनेटली आपके शॉर्ट पे व्यूज आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिदम खुद कहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, यूट्यूब क्रिएटर करके एक चैनल है जहां पे अंग्रेजी में आपको वीडियोस दिखेंगे, वहां पे जाके आप शॉर्ट वीडियो का एल्गोरिदम सिस्टम चेक करो, आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल के ऊपर बेसिकली यूट्यूब टिप्स, ट्रिक्स, न्यूज, अपडेट, लीक्स एंड पॉलिसीज के बारे में, जो भी यूट्यूब एल्गोरिदम कहते हैं, पॉलिसीज कहते हैं, उसी के हिसाब से मैं बताता हूं। और साथ ही साथ और भी मजबूत होता है, इसी वजह से मैं अपनी 6 साल की यूट्यूब एक्सपीरियंस देता हूं आपके साथ, ताकि आप लोग 100% जो भी देखो 100% लेके जाओ। तो प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करो, ताकि आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर पाऊं, मेरा भी मन करता है, मैं भी क्रिएटर हूं, तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोड करने पर लाखों व्यूज आते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो अपलोड करके 2-3 व्यूज आते हैं, सॉल्यूशन क्या है, लेफ्ट वाला वीडियो को चूज करके देख लो। क्या आपको पता है कुछ ऐसे गलतियां हैं जो आप करोगे तो आपके चैनल टर्मिनेट हो जाएंगे? राइट वाला वीडियो पे मैंने आपको बताया है, बीच वाला गोल बटन दबा के प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।